ये रहा अपना आईक्यू 9 एंड दिस इज माई फर्स्ट फ़ोन जो मैंने खुद के पैसों से लिया. या दिस इज द कलर. Hi everyone, we are back with another unboxing video and this time we are unboxing our new phone, my new phone, iQOO 9 SE. बहुत दिनों से वेट कर रहा था, बहुत दिनों से सर्च कर रहा था एंड सबसे बेस्ट फ़ोन जो मिला मेरे बजट रेंज के अंदर वो मैंने ऑर्डर कर दिया एंड आई एक्सचेंज माई लास्ट फ़ोन. अभी ये मैं शूट कर रहा हूँ सोहेल की मम्मी के फ़ोन से और वो वाला फ़ोन का मुझे बहुत ही अच्छा प्राइस मिला था. प्राइस क्या बताओ, जैसे iQOO 9 SE का 34,000 का था प्लस उसमें ICICI क्रेडिट कार्ड का 3,000 डिस्काउंट प्लस 8,250 रुपीज़ का मेरे फ़ोन में डिस्काउंट. वो फ़ोन मैंने लिया था 10,000 रुपीज़ में और उसका एक्सचेंज ऑफर मुझे मिल रहा था 8,250, वो भी 2 से 2.5 साल यूज़ करने के बाद. मैंने बोला भाई फटाफट इसको एक्सचेंज करते हैं और अपना नया वाला जो फ़ोन है वो मंगा लेते हैं. एंड ये वीडियो बस छोटा सा एक शॉर्ट अनबॉक्सिंग वीडियो रहेगा, प्रॉपर वीडियो एक अपने फ़ोन का मैं बनाऊँगा. सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग. बहुत देर से रुका हुआ आपने न्यू फ़ोन को देखने के लिए. अनबॉक्सिंग के लिए आज नेल कटर का ये नाइफ यूज़ करें हैं. एक्सचेंजिंग प्रोसेस जो था वो भी इतना आसानी से हो गया, लाइक कुछ झमेला नहीं हुआ एकदम. लाइक जो एक्सचेंज वाले बंदे थे बहुत ही वॉज रियली गुड और अपने लोकली यहीं के उसको मैं अच्छे से ये ज़रूर दूंगा फीडबैक. ये बिल पेपर, ये भी कुछ है अमेज़ॉन का बिल पेपर वगैरह. और ये रहा अपना iQOO 9 SE, नहीं लिखा हुआ है, ये रहा iQOO 9 SE. This is the first time I'm using a phone from a different brand other than Xiaomi. पहले मैं हमेशा Xiaomi का ही फ़ोन लेता था क्योंकि लाइक मेरे बजट में भी सबसे बेस्ट चीज़ वही प्रोवाइड करता था. लेकिन अभी ये iQOO का फ़ोन आ रहे हैं जो दिस आर मच बेटर फ्रॉम दैम. अभी Redmi Note 11 Pro आया, इतना घटिया उसका स्पेक्स है, 1080p में 60fps भी नहीं दे रहा, इसलिए मैंने सोचा उसको कंसिडर करना ही नहीं है यार. मेरे को ब्लॉगिंग के लिए चाहिए फ़ोन एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोन्स विद इन द बजट. ये है स्टार्टिंग में कुछ पेपर वर्क होगा आई गेस इसके अंदर. एज आई सेड ये रहा सिम इजेक्टर टूल, पेपर वर्क और भी कुछ है क्या फ्री में, कुछ दे दो यार अगर है तो. नहीं है अंदर कुछ है लेकिन वो है यार, कार्ड है ये तो क्योंकि नहीं है. ये रहा अपना फ़ोन, इसको पहले साइड में कर देते हैं. इज द कलर दैट आई बॉट. ये कुछ IMEI, ये रहा केस भी ख़तरनाक वाला मिला है. मैंने इसका लाइक अच्छा वाला ही अच्छा है केस, लाइक उतना ज़्यादा भी एकदम हार्ड केस नहीं है. अब बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है. आई बॉट इट अराउंड 21,500 रुपीज़, तो मुझे ज़्यादा पड़ा नहीं एक्सचेंज और ऑफर्स के लगाते हुए. और ये है USB टाइप सी केबल, टाइप ए टू टाइप सी है एंड 66W फास्ट चार्जर. फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग अ फास्ट चार्जर, लाइक मेरा फ़ोन काफ़ी पुराना है. एंड बाय द वे यहाँ पे हेडफोन जैक नहीं है, ना यहाँ पे देख सकते हैं ना यहाँ पे, इसके वजह से ये लोग डोंगल भी प्रोवाइड कर रहे हैं. चलो कम से कम ये तो अच्छा है, आईफोन की तरह तो नहीं है जो चार्जर ही हटा देते हैं फ़ोन के डब्बे में से. iQOO जो है ये वीवो का ही सब ब्रांड है और वन प्लस वीवो सब एक ही लाइक एक ही कंपनी के सब ब्रांड्स हैं. यार ये खुलता भी कैसे है, देखो अनबॉक्सिंग में ज़्यादा करता नहीं हूँ, फ़ोन वोन का तो मेरे को उतना पता नहीं है. एंड दिस इज माय फर्स्ट फ़ोन जो मैंने खुद के पैसों से लिया. या दिस इज द कलर, नाइस फ़ोन. इसका जो फिनिश मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे लाइक पिछले फ़ोन से सिमिलर टाइप का थोड़ा डिज़ाइन है और ये सनलाइट में काफ़ी कलर चेंज करता है इसलिए मैंने ये लिया. तो फ़ोन को अभी ऑन कर लेते हैं. फर्स्ट लेट मी स्टार्टिंग का जो भी सेटअप है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ.
फिंगर लॉक, ये सब चीज़ अभी जो मैंने, बाय द वे इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, गेस्चर नेविगेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, फन टच ओएस के साथ में आता है, प्लस एंड्रॉयड 12 वगैरह सब है इसमें आउट ऑफ द बॉक्स। दिस इज़ वाई चूज दिस फ़ोन। बाकी फ़ोन्स में जो है एंड्रॉयड 12 नहीं मिल रहा है, एंड्रॉयड 11 मिल रहा है। मैंने वन प्लस का 9RT चेक किया, उसमें भी नहीं है। 9RT का प्लस 42,000 का है, और ये वाला तो काफ़ी सस्ता, लाइक इट इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़ चीपर। दैट्स वाई चूज दिस फ़ोन। कैमरा वगैरह सब बढ़िया, लेकिन कैमरा वगैरह जो है उसका प्रॉपर रिव्यू आप लोग देख लेना। एनीवेज साइनिंग ऑफ। अब अगला वीडियो जो बनेगा वो मेरे नए वाले फ़ोन से बनेगा, एंड वाइड एंगल कैमरा का भी हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। एनीवेज आई होप सो यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Bye, and take care.